गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमें पढ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड रो किसी केमिकल प्रॉपर्टीज जहाँ भितर फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हो छे एक्शन विथ मेटल्स मतलब मेटल भितर कौन कौन नहीं आई छे ना सोडियम पोटेशियम और जिंक और बहुत सारा मेटल्स अच्छे हम ये तीन टा जिनस को लेके देखिबा। तो से भितर मु फर्स्ट नहीं आई छे कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्टेंट साइड रो छे देख पर तो बो 2RCOOH ताको कौन कले दुईटा सोडियम सहित रिएक्ट करो छे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम। तो अब ये हूँ कौन ना ये जो हाइड्रोजन अच्छे कितना हाइड्रोजन अच्छे हमारे एक केस रे दुईटा हाइड्रोजन अच्छे दुईटा जाक हाइड्रोजन बाहर जाइए दुईटा सोडियम ता जगह जाइए रही। तो जो कंपाउंड आसुचे ना कौन ना सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड और जो हाइड्रोजन बाहर ला से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जहाँ से बाहर जीव ठीक से मेति जदि मु एग्जांपल कंसीडर करबे ताले कौन ने आइ छी 2CH3COOH जार ना कौन एसिटिक एसिड हेले एसिटिक एसिड को मध्य सोडियम सहित रिएक्ट कले एठु मध्य कौन रिमूव हो गला हाइड्रोजन केतेटा दुईटा जोडा के प्रोडक्ट आसुचे H2A के। तो आउ कौन रहिला जो सोडियम अछि सोडियम ता जेके हाइड्रोजन रो जगह रे रही जाउची 2CH3COONA फॉर्मेशन होची हेले कंपाउंड रो ना कौन एनए पई रहिला सोडियम और एतिक पई रहउची एसिटेट बा आको आउ कौन कहि हबो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड लिखि दउची सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है ठीक है देन कौन कराए छे ना दुईटा एसिटिक एसिड नि आइ छे ताको का सहित रिएक्ट करा हला जिंक तले तमे कहबो बेटे 2 नि आउ थले एड काई के 2 नि आइ नि ना सोडियम रो वैलेंसी हो छे 1 बट जिंक रो वैलेंसी केते 2 तो सेत पई मु कोनो गोटे जिंक को ने छी। तो अबे देखो एठु कोन रिमूव हो छी H2 तम पखरा केतरा CH3COO बोलु छी माने एसिटेट ग्रुप हम पखरा केतरा हो छी दुईटा तो CH3COO होल टू लिखे के कोन अछि जिंक को बॉन्ड रे इन्वॉल्व करा हे छी। तो लास्ट छी कोन CH3COO होल टू सडन जार ना कोन जिंक अवति के पई एसिटेट तले एठु जे एच बाहर ला से H2 गैस जदि हमको कुआ हम एने जगह रे हमें कोन नहीं परिबा के नेले भी हबो 2K जदि पोटेशियम नि आउ छी ताले सोडियम बदल रे कोन लिखिबे पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड आ इट कोन आसीबो पोटेशियम एसिटेट बा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड जोड जोड एने आउ छी सेट सेट मु के नै के मध्य रिएक्शन करे परबे लिखिबा दुई नंबर केमिकल प्रॉपर्टी जोडा के होचे एक्शन विथ अल्कलीज माने बेस कार्बोक्सिलिक एसिड टा बेस सहित केमिति रिएक्शन शो करूची जो भितर हमें दुईटा नबा सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मन रखो जब भी एसिड गोटे बेस सहित रिएक्शन करूची ताको हमें कहूचे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन माने एसिड प्लस बेस गिव्स राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो देखि भाई केस रे केमिति होची कार्बोक्सिलिक एसिड नि आइची RCOOH देख परथुबो ताको ट्रीट करा हला सोडियम हाइड्रोक्साइड सहित माने एसिड रो बेस सहित रिएक्शन। तो हो छे कोनो ना एसिड रो H आ बेस रो OH HOH H2O जोडा के वाटर तो वाटर बाहर ही गल आ कोन कोन बोलो छे RCOO और NA कंबाइन कोले कोन आसु छे सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड त माने एसिड प्लस बेस गिव्स राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर। एबे एग्जांपल कंसीडर करिबा आर बदल रे CH3 निया आई छी बाकी सब समान अछि तो ए कंपाउंड रो ना कोन आसु छी एसिटिक एसिड को रिएक्ट करा हला सोडियम हाइड्रोक्साइड सहित तो ठीक ऊपर वलिया ही एसिड रो एच और बेस रो OH रिमूव हो जाय छी कंबाइन के कोन फॉर्मेशन कला H2O HOH कहले भी होबो हले बे कोन बोलो छी CH3COO और NA तो CH3COO NA कंबाइन कलर आसु छी कोन सोडियम एसिटेट बा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड कहले भी हबो। ठीक से मेति जदि आमे सोडियम हाइड्रोक्साइड बदल रे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नबा ताले चेंजेस कोन आसुची जो जो जगह रे सोडियम थिला बस सेति की जगह चेंज होची और सोडियम लिखा बा बदल रे पोटेशियम लिखा होची देख देबा जनरल नि आइ छी RCOOH को ट्रीट करा हला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सहित तो ताले उचे कोन एसिड रहे छ बेस रो OH कंबाइन नि की HOH फॉर्मेशन कला आ ई जो के बोले छी ये जाई के H रो जगह रे रही जाउ छी माने एसिड प्लस बेस कोन दउ छी गुटे सॉल्ट प्लस वाटर को सॉल्ट पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड
एग्जांपल रे एसिटिक एसिड निया हला ट्रीट करा हला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जोड़ा की बेस ताला सुचे कौन एसिड रहे चाव बेस रो ओएच मिसे की वाटर आओ CH3CO हो आओ के कॉम्बाइन है की पोटेशियम एसिटेट बा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड तो मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड नले भी हबो बा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नले भी हबो इनी नंबर केमिकल प्रॉपर्टी जोड़ा की होची एक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स तो से भीतर हम प्रथम देखिबा कार्बोनेट सहित तो एसिड रो रिएक्शन केमिति आसुची तो निया हिचे कार्बोक्सिलिक एसिड दुईटा रिएक्ट कराला सोडियम कार्बोनेट सहित तो जार केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3 ताले होचे कोनो ई जो एच अछि एसिड रे दुईटा एच बाहर जाउचे ता जगह रे दुईटा जको सोडियम आसी की रहि गला फर्स्ट कंपाउंड फॉर्मेशन हे गला नाडा कोनो ना सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड आउ कोन कोन बोलुचे हम पाखरे एटर जो दुईटा एच बाहरला ए दुईटा एच कोन करूची एटर गोटे ऑक्सीजन को निज सहित तो बॉन्ड करूची दोची कोन H2O हेले CO3 थिला गोटे ओ जाई के H2O आसिला आउ कोन बोलुचे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिखा हिचे एबे देखिबा एग्जांपल एग्जांपल रेनिया हिचे कोन ना एसिटिक एसिड को ट्रीट करा हला सोडियम कार्बोनेट सहित तो एसिड रो दुईटा एच रिमूव हला ता जगह रे आसुची दुईटा सोडियम फर्स्ट कंपाउंड आसुची कोन 2CH3COONA सोडियम एसिटेट जो एच गला दुईटा दुईटा का एच कोन करूची गोटे का ऑक्सीजन सहित तो रिएक्ट करके H2O फॉर्मेशन करूची एले CO3 रो गोटे ओ गला पर रही जाउची CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एबे देखिबा एसिड रो बाइकार्बोनेट सहित तो रिएक्शन नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड ने आइ छ जनरल RCOOH ताको रिएक्ट कराला सोडियम बाइकार्बोनेट सहित तो माने NaHCO3 सहित तो। ताले होचे कोनो ना आगो भळिया ही सोडियम कोन करूची हाइड्रोजन रो जगह रे आसुची कोन फॉर्मेशन करूची सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड जोडा के RCOONA ताले इठो गोटे एच अब इठो गोटे एच ए दुइटा दा कोच कोन करूची गोटे ऑक्सीजन सहित तो कंबाइन के H2O देले तो CO3 रो ओ गोटे पळेला आउ कोन बोलुची CO2 जोडा को लिखि देले कार्बन डाइऑक्साइड ठीक सेमिति तळे जो छे एसिटिक एसिड CH3COOH सेठो कौन होची ना सोडियम टा आसुची एच रो जगह रे ताला आसुची कौन सोडियम एसिटेट CH3COONA आउ रहिला इठो गोटे एच इठो गोटे एच का सहित तो कंबाइन होछन इठो गोटे ओ सहित तो, हले H2 और ओ वाटर आ CO3 रो ओ पड़ेला पर रही जाउची कार्बन डाइऑक्साइड नंबर yes. केमिकल प्रॉपर्टीज जुड़ा होची एस्टरीफिकेशन बा रिएक्शन विथ अल्कोहल्स माने कार्बोक्सिलिक एसिड रो अल्कोहल सहित तो केमिति रिएक्शन होचे बा कार्बोक्सिलिक एसिड रो ही हम एस्टर केमिति तैयारी करबा ता ऊपर बे देखिबा तो न्याय छे कार्बोक्सिलिक एसिड ताको ट्रीट करा हला हमरो प्राइमरी अल्कोहल बा 1 डिग्री अल्कोहल सहित तो। इन प्रेजेंस ऑफ कार कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड रो प्रेजेंस रो रिएक्शन होचे हम तो देख परथुबो जे एटे रिवर्सिबल रो सिंबल दिया छे माने रिएक्टेंट रो प्रोडक्ट बे पारिबो और प्रोडक्ट रो बे रिएक्टेंट हे पारिबो माने एसिड रो अल्कोहल हे पारिबो प्लस अल्कोहल रो भी हम चाहिले एसिड तैयार करि पारिबा तो इक्वेशन तो होचे कोनो ना कार्बोक्सिलिक एसिड रो एच और अल्कोहल रो OH कंबाइन होचे कोन दोचे वाटर H2O तो बोली गला कोन कोन RCOO आउ R डैश एटा आउ एटा प्रोडक्ट लिखाइ छे नाडा कोन यारो ईस्टर एबे देखिबा एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड जगह रे का को नियाय छे एसिटिक एसिड को ठीक से मेते अल्कोहल जगह रे नियाय छे इथेनॉल को बा इथाइल अल्कोहल को तो एबे होची कार्बोक्सिलिक एसिड रो एच आ इथेनॉल रो ओएच कंबाइन ने के कोन दोचे H2O बा HOH कोइले होबो तो ए सब का प्रेजेंस रो छे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन टा रिवर्सिबल तो बोले गला किए CH3COO आ C2H5 कंबाइन ला सुचे एटा CH3COOC2H5 नाटा कौन इथाइल और इतनी पाई लिखा होची एसिटेट।